लो भाई, यो है फार्म ट्रैक 60। और फार्म ट्रैक 60 मतलब एक अपने नाम से ट्रैक्टर सेल होता ही है। तो आज इस वीडियो में इसके वेरिएंट बताऊंगा तो कितने प्रकार के ट्रैक्टर आते हैं। जैसे हम जमींदार का कहते हैं हमें पावर फार्म ट्रैक 60 दे दो, लेकिन 60 के अंदर भी ना बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं। भाई जैसे जमींदार की जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से अपना ट्रैक्टर चूज कर सके है, वो अपने काम के अनुसार ले सके है। तो चलो भाई शुरू करते हैं फार्म ट्रैक 60 के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ बताया, तो इसमें ना दो प्रकार के पावर मैक्स और एक वर्ल्ड मैक्स, दो प्रकार की सीरीज आती हैं। तो पहले पावर मैक्स के लिए बात कर लेते हैं। पावर मैक्स में क्या है, जो इस खड़ा सामने आपके सामने ये सिंगल पीस बोनट के साथ में 3 सिलेंडर 55 HP कैटेगरी के अंदर आता है, ये 50 HP का ट्रैक्टर है ये। और इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं ना फ्रंट जो टायर दे दिया, फ्रंट से शुरू से बात करते हैं भाई, फ्रंट टायर भी इसमें कॉमन कर दिया, 7/50/16 का टायर आएगा। और अगर हम फ्रंट एक्सल की बात करें ना तो आप इसको एडजस्टेबल भी ले सकते हो, नॉन एडजस्टेबल भी ले सकते हो, और अपने काम के जैसे भाई अपने कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना हैवी ड्यूटी जो एक्सेल आता है उसमें भी आप इसको ले सकते हो। और साथ में अगर हम इसके पावर स्टेयरिंग की बात करें ना तो ये पावर स्टेयरिंग में भी आता है और नॉन पावर स्टेयरिंग में भी आता है। इससे क्या आपका रेट में भी फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि हर बंदे की, हर जमींदार की, हर आदमी की अपनी एक डिमांड है, अपने काम के अनुसार बंदा खरीद सकता है। तो ये हो गया 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव दोनों मापियों को ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। इंजन सबका वही है, 50 HP कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर डाल जाएगा। 3 सिलेंडर बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में आता है। और जितना मेरे को पता है अभी फिलहाल 107 के बोर के अंदर आता है ट्रैक्टर, बाकी समय के अनुसार पता लग जाएगा। तो ये चीज़ थी। और जैसे हम ब्रेक की बात करें, जैसे तेल में डूबे ऑयल इमरिस्ट ब्रेक के साथ में ही आता है ट्रैक्टर। और अगर हम F41 जैसे भी F41 है, F31 है, F33 है, F42 भी है, और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो ये जो F का मतलब है ना, इससे सीधा सीधा संपर्क है गियर स्पीड का, कि भाई जैसे हर राज्य में और हर एप्लीकेशन के लिए ट्रैक्टर डिज़ाइन किया जाता है, तो उसके हिसाब से कंपनी जैसे चाल में स्पीड के अंदर है सुधार करती रहे, तो उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पर नंबर बदलती रहे। और सबसे अच्छी चीज़ है जमींदार भाइयों, आप ध्यान दिया करो, कंपनी एस्कॉर्ट कंपनी क्या करती है, अपना ट्रैक्टर के ऊपर मुड गार्ड के ऊपर अपना गियर चार्ट लगा के देती है प्रॉपरली, कौन से गियर में कितने RPM पर कितनी स्पीड बनेगी। तो आप अपने अनुसार, अपने काम के अनुसार, और कौन से एप्लीकेशन में कौन से गियर में चलेगा, कितने RPM पर चलेगा, आप इस पर ध्यान से एक बार देखोगे, पढ़ोगे तो अपना सारी जानकारी मिल जाएगी इस पर। और इसमें जो गियर बॉक्स है वो आता है कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स आता है। और गियर ऑप्शन जो है अपने, जैसे हम इसकी बात करें गियर ऑप्शन की बात करें भाई, जैसे T20 गियर बॉक्स के अंदर भी आता है 16+4, ABCD के अंदर भी कंपनी इसको बोल देकर आता है ट्रैक्टर, जो कि ABCD में बोल, जैसे मुझे फिलहाल ABCD वाला ही है, जो कि गियर चार्ट है ABCD के अनुसार लगा हुआ है, तो आपने देख ही लिया होगा। और कंपनी यहाँ पे भी लिख रखा है ABCD। और हाई लो के अंदर भी आता है ट्रैक्टर, फार्म ट्रैक 60 ही आता है हाई लो के अंदर भी, जो कि सेंटर गियर के साथ में भी आता है, हाई लो सेंटर गियर के साथ में। और जो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है ना 2000 से लेकर 2500 kg तक की, भाई अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग लिफ्ट कैपेसिटी है भाई, किसी बंदे को लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिसमें लिफ्टों की ज़रूरत नहीं होती, तो वो लो लिफ्ट कैपेसिटी का ट्रैक्टर लेकर अपना काम कर सकता है। भाई जैसे जैसी जिसकी ज़रूरत वैसे उसके हिसाब से ट्रैक्टर कंपनी ने डिज़ाइन कर रखे हैं ये। तो ये गियर बॉक्स का हाई लो और T20 ABCD T60 घोड़े के साथ में आता है। और ये तो हो गया गियर बॉक्स का। अब बात करते हैं इसकी क्लच की। जैसे कि इसमें क्लच है ना, सिंगल क्लच में भी मिल जाएगा आपको, ये ड्यूल क्लच में मिल जाएगा। ड्यूल क्लच मतलब जो आपके ट्रांसमिशन वाली जो क्लच होती है उसके पैडल के अंदर ही दोनों क्लच का साथ हो, और डबल क्लच के साथ में, जैसे कि ये तो ट्रांसमिशन के लिए काम करेगी और ये PTO के लिए काम करेगी। जो PTO क्लच है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट PTO, IPTO भी बोल देते हैं इसको लोग, क्योंकि हर एक बंदे अपना अपना डिज़ाइन कहने का स्टाइल है वो, तो IPTO के अंदर भी आता है ये ट्रैक्टर। तो ये इसमें है ना, आप अपने काम के अनुसार, इससे क्या है भाई, जैसे जैसे आप फीचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे फीचर कम होते हैं रेट का भी डिफरेंस आता रहेगा, और अपने काम के अनुसार आप ये ट्रैक्टर ले सकते हो। और सिंगल पीस बोनट के साथ में आता है ट्रैक्टर। अब डबल पीस का वैसे ये जो आपके सामने प्रीमियम लुक बना रही कंपनी में, ये जो भी ये है सिंगल पीस बोनट के साथ में, ड्राई एयर क्लीनर के साथ में आता है और ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में भी आता है, तो वो आपके काम के अनुसार ही मिलेगा आपको ट्रैक्टर जैसा आप बोलोगे। और ये अपना साइलेंसर जो अभी साइड के साइड में दे दिया इन्होंने, और जैसे ये 250 घंटे की सर्विस और प्लस में 500 घंटे की सर्विस पर भी ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा, 5000 घंटे और 5 साल की वारंटी है। आप वारंटी कार्ड को ज़रूर पढ़ा करो, ध्यान से देखो, समझो उस चीज़ को, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को वारंटी वगैरह को लेते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। आप डीलर से पूछा करो भाई कौन वारंटी किस किस चीज़ की है, क्या क्या है, पूरा विस्तार में समझो उस बात को। और बात करते हैं पिछले टायर की, जो पिछला टायर इसका
ये 16-9-28 के साथ में भी आता है, 14-9-28 के साथ में भी आता है, और वो आपके काम के अनुसार आपकी वो अपनी डिमांड के अनुसार आप उसको ट्रैक्टर ले सकते हो। ये तो हो गया अपना इसका पावर मैक्स सीरीज का। अगर हम वर्ल्ड मैक्स सीरीज की बात करें, वर्ल्ड मैक्स सीरीज में क्या है, एकदम डिफरेंट लुक दी है कंपनी ने, एकदम प्रीमियम जो कहते हैं लग्जरी ट्रैक्टरों बनाया है। तो वो सारी चीज़ें हैं, गेयर बॉक्स सारे फीचर उसमें मिल जाएंगे आपको, टू व्हील भी मिल जाएगा, फोर व्हील भी मिल जाएगा, और साथ में उसका ना फ्लैट प्लेटफॉर्म दे दिया कंपनी ने, ताकि कल को कोई किसी बंदे की अपनी पसंद है तो आप फ्लैट प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। भाई किसी ने एसी कैबिन इंस्टॉल करवाना तो उस पर आसानी से हो जाएगा, हो इस पर भी जाता है लेकिन उस पर थोड़ा और आसान हो जाता है, जिससे बंदे को ना थोड़ा पैसे में भी फ़र्क पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है उस चीज़ का। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेगा ना फार्म ट्रैक का जो अपना नाम है, जैसे भाई इस ट्रैक्टर ऐसा भी तो जमींदार होगा ना पूरे भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, काउंटर सेल बहुत ज़्यादा इस ट्रैक्टर की, इसकी भी काउंटर सेल काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ मैं आपको लोगों को ना इसके ट्रैक्टर के बारे में बताना चाह रहा था, ट्रैक्टर खास बातें हैं काफ़ी अच्छा, जैसे भाई जो जमींदारों की पसंद है कि ये शुरू दिन से ही जैसे लोग जमींदार भाई होंगे ना पसंद अपनी खुद की पसंद से ही ट्रैक्टर खरीदते हैं इसको, तो हर ट्रैक्टर की अपनी अपनी खास बात होती है। भाई जमींदारों की जैसे भाई जमींदारे के लिए डीजल खर्चे में, माइलेज में, परफॉर्मेंस में, हर तरीके से जमींदार होगा खरा उतरता है ट्रैक्टर। तो इसमें ये इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, तो आप अपने काम के अनुसार ना अपना ट्रैक्टर चूज कर सकते हो, भाई जैसे आपको जिसकी जैसी आपकी ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना ट्रैक्टर खरीद सकते हो। और बात कर पीछे दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो हिचिंग पॉइंट आप देख सकते हो, डबल क्विक रिलीज वॉल्व के साथ में भी आता है, इंडिपेंडेंट लीवर के साथ में, और सिंगल क्विक रिलीज वॉल्व के साथ में भी आता है। ये अपना टॉप लिंक हो गया, और हिच की अपनी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे काफ़ी ऑप्शन आपको वेरिएशन मिल जाते हैं इसके आपको अपनी। और ईपीआई साइकिल के साथ में भी आता है, जैसे कि ट्रॉली। ईपीआई साइकिल का क्या मकसद होता है मेनली, भाई जब ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है या रोटावेटर पे चलता है, सुपर सीट पे चलता है, तो वो पीछे से ना धक्का देते ट्रैक्टर को, तो वो जो झटका है ना सीधा गियर बॉक्स और क्राउन पिनियन पर ना जाए, उससे पहले ईपीआई साइकिल दे दिया कंपनी ने, ताकि वो 33% एक साइड का और 33% एक साइड का और 33% दूसरी साइड का, दोनों साइड का 66% झटका कम से कम कम कर देता है, जिससे ट्रैक्टर के क्राउन पिनियन की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका ईपीआई साइकिल का ये फ़ायदा, आप नॉन ईपीआई चाहो तो नॉन ईपीआई भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके काम के अनुसार आप ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम आप लोगों को बताना था भाई, फोर व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव, मैकेनिक सादे स्टेयरिंग में लेना है या पावर स्टेयरिंग में लेना है, या अपना ऑयल वाश एयर क्लीनर में लेना है, ड्राई एयर क्लीनर में लेना है, हाई लो गियर में लेना है सेंटर के साथ, सेंटर शिफ्टिंग गियर में लेना है, साइड शिफ्टिंग गियर में लेना है, हाई लो मीडियम के सॉरी ABCD गियर में लेना है, T20 गियर बॉक्स में लेना है, आप दोनों से में चाहो वैसे ले सकते हो, आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म में लेना है, प्रीमियम लुक में लेना है, तो सारी चीज़ें सारे वेरिएंट निकाले गए हैं कंपनी द्वारा। तो आप अपना एक बार इनसे बात करो, कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल एकदम, और भी ट्रैक्टर जैसे अपने लोडर लगाना है या कोई अपने बैकहो लोडर बनाना ट्रैक्टर का, तो उसके हिसाब से कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए भी ट्रैक्टर है, हैवी ड्यूटी जिसको हम बोल देते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी जिसको बोल रहे हैं, बेसिकली हैवी ड्यूटी बेसिकली कंपनी बनाती है, लेकिन एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी क्योंकि लोडर वगैरह में ना काफ़ी थोड़ी जैसे एक्सल वगैरह हैं उनका थोड़ा है, जैसे शटल गियर की भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो वो सारी चीज़ उसके हिसाब से ट्रैक्टर कंपनी डिज़ाइन करती है। तो आप अपने काम के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हो भाई, ये चीज़ आप लोगों को दिखाना और बताना चाह रहा था। जैसी वीडियो लगे कमेंट कर जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आता है ना सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।